हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल सक्सेस मंत्रा। आज हम लोग बायो के प्रैक्टिस सेट करेंगे। चैप्टर है फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ। ये जूनियर सुपर टेट, यूपी टेट, सी टेट के लिए है। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज इनकरेक्ट। तो ये क्या है, इनकरेक्ट पूछा गया। ऑप्शन है आपके, यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिज्म हैव इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस, एंटोनी वैन लिवेनविक फर्स्ट सॉ एंड डिस्क्राइब्ड अ लिविंग सेल, रॉबर्ट ब्राउन डिस्कवर्ड द न्यूक्लियस, एंड सेल थ्योरी वॉज प्रपोज्ड बाई टू ब्रिटिश साइंटिस्ट, शील्डेन एंड रूडोल्फ ब्रिकाउ। तो आप ये याद रखिएगा, यहाँ पे पूछा गया इनकरेक्ट स्टेटमेंट इन चारों में से कौन सा है। तो चारों स्टेटमेंट को पढ़ने के बाद पहला जो ऑप्शन है आपका, यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म हैव इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंट, ये बिल्कुल ट्रू है। ए वी लिवेनविक ने लिविंग सेल को डिस्क्राइब करा था, बिल्कुल सही है। और जब सेल की बात आए तो सेल को डिस्कवर किसने किया था, रॉबर्ट हुक ने किया था। रॉबर्ट ब्राउन ने न्यूक्लियस को डिस्कवर किया था, ये भी बिल्कुल सही है। गलत क्या है कि सेल थ्योरी को प्रपोज किया था शील्डेन और श्वान ने, ठीक है। तो आपका फोर्थ स्टेटमेंट गलत है, इसलिए यही करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। सेकेंड है, कंपेयरिंग स्मॉल एंड लार्ज सेल्स विच स्टेटमेंट इज करेक्ट। स्मॉल सेल्स हैव अ स्मॉल सरफेस एरिया पर वॉल्यूम रेशियो, एक्सचेंज रेट ऑफ न्यूट्रिएंट्स इज फास्ट विद लार्ज सेल, स्मॉल सेल्स हैव अ लार्ज सरफेस एरिया पर वॉल्यूम रेशियो, एंड फोर्थ ऑप्शन इज एक्सचेंज रेट ऑफ न्यूट्रिएंट्स इज स्लो विद स्मॉल सेल्स। तो करेक्ट ऑप्शन आपका यहाँ पे क्या है, यहाँ पे पूछा गया स्टेटमेंट करेक्ट कौन सा है। तो ये ऑप्शन नंबर थ्री करेक्ट है कि स्मॉल सेल्स हैव अ लार्ज सरफेस एरिया पर वॉल्यूम रेशियो। ऑप्शन थर्ड है आपका कि विच ऑफ द फॉलोइंग फर्स्ट एक्सप्लेन दैट न्यू सेल्स आर फॉर्म फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल्स, ओमनिस सेलुलाई सेलुला। तो ये किसने किया था, दैट इज़ रूडोल्फ विरकाउ ने किया था। रॉबर्ट हुक ने क्या करा था, सेल डिस्कवर किया था। रॉबर्ट ब्राउन ने क्या किया था, न्यूक्लियस डिस्कवर किया था। शील्डेन और श्वान ने क्या करा था, सेल थ्योरी दिया था। और बच्चे आपको ऑप्शन नंबर थ्री, तो इन्होंने क्या कहा था, ओमनिस सेलुलाई सेलुला, कि न्यू सेल्स आर फॉर्म्ड फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल्स। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। अगर आपको लग रहा है कि क्वेश्चन न्यू पैटर्न पे अच्छे हैं और आपको समझ में आ रहा है, तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करें अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है। वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। नेक्स्ट है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ अ सेल मेम्ब्रेन, कोलेस्ट्रॉल, ग्लाइकोलिपिड, कैल्शियम पेक्टेट, फॉस्फोलिपिड। तो इनमें चार ऑप्शन में सेल मेम्ब्रेन का कॉन्स्टिट्यूएंट कौन नहीं है, नॉट लगा है। तो आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा कैल्शियम पेक्टेट। तो आपका जो कैल्शियम पेक्टेट है वो क्या है, कॉन्स्टिट्यूएंट नहीं है। चलिए नेक्स्ट है क्वेश्चन, अबाउट 98% ऑफ द मास ऑफ एवरी लिविंग ऑर्गेनिज्म इज कम्पोज ऑफ जस्ट सिक्स एलिमेंट्स। तो छः एलिमेंट का मिलकर बना होता है, चार दिए हैं आपसे और दो को पूछा गया। कौन कौन से दिए हैं, कार्बन दिया है, हाइड्रोजन दिया है, नाइट्रोजन दिया है, ऑक्सीजन दिया है। तो याद रखिएगा फिफ्थ और सिक्स एलिमेंट आपका फॉस्फोरस एंड सल्फर। तो ये जो छः एलिमेंट हैं ये कुल कितने, 98% जो है मास हर लिविंग ऑर्गेनिज्म में बनाते हैं। तो आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शंस पहले देख लेते हैं, फॉस्फोरस एंड सल्फर, सल्फर एंड मैग्नीशियम, मैग्नीशियम एंड सोडियम, कैल्शियम एंड फॉस्फोरस। तो करेक्ट ऑप्शन है आपका फॉस्फोरस एंड सल्फर। तो ऑप्शन नंबर वन इज करेक्ट। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग सेल ऑर्गेनेली आर नॉन मेम्ब्रेनस एंड फाउंड इन बोथ प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि कौन सी सेल ऑर्गेनेली नॉन मेम्ब्रेनस है, जिसकी मेम्ब्रेन नहीं होती है, और प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक दोनों में ही पाए जाते हैं। तो ऑप्शन है आपके लाइसोजोम, माइक्रोबॉडीज, राइबोसोम, वैक्यूल। तो याद रखिएगा करेक्ट ऑप्शन आपका है राइबोसोम, ऑप्शन थ्री। राइबोसोम को और क्या कहते हैं, तो याद रखिएगा राइबोसोम को और क्या कहा जाता है, प्रोटीन फैक्ट्री ऑफ अ सेल। ओके, लाइसोसोम को क्या कहा जाता है, तो लाइसोसोम को कहा जाता है सुसाइड बैग, ठीक है, सेल का सुसाइड बैग। चलिए ऑप्शन क्वेश्चन सेवन देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग आर नॉट मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनली। ठीक है, तो हमें मालूम है कि राइबोसोम क्या होती है, मेम्ब्रेन नहीं होती, और किस में नहीं होती है मेम्ब्रेन, ये देखते हैं। चलिए ऑप्शन देखते हैं, माइटोकॉन्ड्रियन, क्लोरोप्लास्ट, गोल्जी बॉडीज एंड एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ER का मतलब है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, लाइसोसोम एंड वैक्यूल, सेंट्रियोल एंड राइबोसोम। तो माइटोकॉन्ड्रिया क्लोरोप्लास्ट में और मेम्ब्रेन होती है, गोल्जी बॉडीज और एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में भी होती है, लाइसोसोम
और वैक्यूल में भी होती है, सेंट्रियोल एंड राइबोसोम में नहीं होती। तो करेक्ट ऑप्शन आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 कि सेंट्रियोल्स एंड राइबोसोम क्या होते हैं, नॉन मेम्ब्रेनस सेल स्ट्रक्चर्स होते हैं, सेल ऑर्गेनेली होते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ देखते हैं। सेलेक्ट द इनकरेक्ट स्टेटमेंट फ्रॉम द फॉलोइंग। तो हमें इनकरेक्ट स्टेटमेंट फाइंड आउट करना है, ठीक है। पहला है, बोथ क्लोरोप्लास्ट एंड माइटोकॉन्ड्रिया कंटेन एन इनर एंड आउटर मेम्ब्रेन। जी हाँ, जो क्लोरोप्लास्ट और माइटोकॉन्ड्रिया होते हैं वो डबल मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर होते हैं, ठीक है। इनमें दो मेम्ब्रेन पाई जाती है, आउटर एंड इनर, बिल्कुल करेक्ट है। नेक्स्ट ऑप्शन, बोथ क्लोरोप्लास्ट एंड माइटोकॉन्ड्रिया हैव एन इंटरनल कंपार्टमेंट द थायलाकॉइड स्पेस बाउंडेड बाय दी थायलाकॉइड मेम्ब्रेन। जी नहीं, ये किस में होता है, ये क्लोरोप्लास्ट में होता है, माइटोकॉन्ड्रिया में नहीं होता। अगर स्ट्रक्चर आप देखें तो माइटोकॉन्ड्रिया का जो स्ट्रक्चर होता है, जो इनर वॉल होती है वो कुछ ऐसे में चेंज हो जाती है, और जबकि क्लोरोप्लास्ट का अगर हम स्ट्रक्चर देखें तो इनमें क्या होते हैं, आपके थायलाकॉइड्स होते हैं, ग्रैनम होता है, जो ये स्पेस रह जाता है वो क्या कहलाता है आपका, दैट इज स्ट्रोमा, ठीक है। तो थायलाकॉइड माइटोकॉन्ड्रिया में होता ही नहीं है, थायलाकॉइड किस में होता है, क्लोरोप्लास्ट में होता है, ठीक है। और यहाँ पे वर्ड लिखा है बोथ क्लोरोप्लास्ट एंड माइटोकॉन्ड्रिया, तो ये स्टेटमेंट यहीं से गलत हो गया। बोथ क्लोरोप्लास्ट एंड माइटोकॉन्ड्रिया कंटेन डीएनए। जी हाँ, बिल्कुल सही है, क्लोरोप्लास्ट और माइटोकॉन्ड्रिया का डीएनए होता है अपना। द क्लोरोप्लास्ट आर जनरली मच लार्जर देन माइटोकॉन्ड्रिया। जी हाँ, जो क्लोरोप्लास्ट होते हैं वो जो है माइटोकॉन्ड्रिया से साइज में बड़े होते हैं। तो जो करेक्ट ऑप्शन हो गया आपका इनकरेक्ट स्टेटमेंट, वो हो गया आपका ऑप्शन नंबर 2। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ देखते हैं। मीसोसोम इज द एक्सटेंशन ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन इनटू द सेल, इट हेल्प्स इन सेल वॉल फॉर्मेशन, डीएनए रेप्लिकेशन, रेस्पिरेशन, ऑल ऑफ द अबव। तो याद रखिएगा, जो मीसोसोम होते हैं वो उसका फंक्शन क्या होता है, दैट इट हेल्प्स इन रेस्पिरेशन, ठीक है। बच्चे क्या करेंगे, ऑल ऑफ द अबव देखकर ऑल ऑफ द अबव लगा देंगे, जो कि नहीं, स्टेटमेंट जो ऑल ऑफ द अबव नहीं होगा। करेक्ट ऑप्शन होगा आपका ऑप्शन नंबर 3, दैट इज रेस्पिरेशन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। अगर आपने वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक करिए, सब्सक्राइब नहीं किया चैनल को तो जल्दी से सब्सक्राइब करिए, ताकि आपको ऐसे ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन और मिलते रहें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मैच द फॉलोइंग कॉलम्स। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कॉलम 1 दिया हुआ है आपका, कॉलम 2 दिया। आजकल ऐसे क्वेश्चंस बहुत पूछे जा रहे हैं, ठीक है। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम दिया है, स्पेरोसोम दिया है, डिक्टोसोम दिया है, परोक्सीसोम दिया है, एलियोप्लास्ट दिया है। कॉलम 2 में आपका दिया है स्टैक ऑफ सिस्टर्नस स्टोर ऑयल्स एंड फैट्स, सिंथेसिस एंड स्टोरेज ऑफ लिपिड, फोर्थ आपका फोटो रेस्पिरेशन, फिफ्थ है डिटॉक्सिफिकेशन ऑफ ड्रग्स। तो इनके ये कुछ फंक्शंस और स्ट्रक्चर से रिलेटेड क्या है, आपके ऑप्शंस दिए हुए हैं। तो याद रखिए, आपको जो याद है आप पहले वो करिए। तो चलिए, हमें याद आया जैसे कि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, तो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का क्या फंक्शन होता है, डिटॉक्सिफिकेशन ऑफ ड्रग। तो ये हो गया फिफ्थ का ए। तो देखिए, ए में फिफ्थ लिखा हुआ है, जी हाँ, फर्स्ट और सेकंड में लिखा हुआ है, थर्ड और फोर्थ में फोर लिखा है और सेकंड लिखा है, तो थर्ड और फोर्थ आपके कट हो गए। अब आपके बचे फर्स्ट और, तो बी का 3 दिया हुआ है, तो स्पेरोसोम का आपका फंक्शन हो गया सिंथेसिस एंड स्टोरेज ऑफ लिपिड। चलिए, अब सी अगर आपने क्लियर कर लिया तो वो आपका D4 दिया हुआ है। चलिए, परोक्सीसोम का आपका फंक्शन हो गया फोटो रेस्पिरेशन। अब आपको बचा सी एंड ई, आपने ये क्लियर कर लिया, हो गया क्लियर आपका। तो आपको मालूम है कि जो स्टैक ऑफ सिस्टर्नस होते हैं वो किस में होते हैं, डिक्टियोसोम में होते हैं। ये क्या होते हैं, गोल्जी बॉडीज़ जो प्लांट्स में पाई जाती हैं, इन प्लांट्स उनको हम लोग कहते हैं डिक्टोसोम। तो इसमें सिस्टर्नस होते हैं, जी हाँ होते हैं। तो ये हो गया सी आपका, और एलियोप्लास्ट क्या होता है, दैट इज़ स्टोर ऑयल्स एंड फैट्स, तो ये आपका हो गया ई। तो आपका जो करेक्ट होगा वो हो गया आपका ऑप्शन नंबर 1, ए का 5, बी का 3, ठीक है, सी का 1, डी का 4 एंड ई का 2, क्लियर। ऐसे करके हम इसको लगा लेंगे। चलिए, आ गया समझ में, तो आपका करेक्ट ऑप्शन हो गया ऑप्शन नंबर 1। चलिए नेक्स्ट है, फ्लूइड मोज़ेक मॉडल इज द मोस्ट एक्सेप्टेड मॉडल फॉर द प्लाज्मा मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर, इट शोज दैट। तो क्या शो करता है, चलिए देखते हैं। क्वासी फ्लूइड नेचर ऑफ द लिपिड इनेबल्स लेटरल मूवमेंट ऑफ प्रोटीन विद इन द ओवरऑल बायलेयर, लेटरल मूवमेंट विद इन द मेम्ब्रेन इज मेजर्ड एज इट्स फ्लूडिटी, फ्लूइड नेचर ऑफ द मेम्ब्रेन इज इंपॉर्टेंट फॉर ग्रोथ फॉर्मेशन ऑफ इंटर सेलुलर जंक्शन सीक्रीशन एंड एंडोसाइटोसिस सेल डिवीजन, ऑल ऑफ द अबव। तो जो फ्लूइड मोज़ेक मॉडल है ये मोस्ट एक्सेप्टेड मॉडल है प्लाज्मा मेम्ब्रेन का, याद रखिएगा। और ये जो है क्यों है,
तो ये जो है ये तीनों चीज़ें शो करता है, इसलिए ये क्या है, मोस्ट एक्सेप्टेड मॉडल है। तो जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो आपका ऑप्शन नंबर 4, दैट इज ऑल ऑफ द अबव। नेक्स्ट है द प्लाज्मा मेम्ब्रेन इज सेलेक्टिवली परमीएबल। तो जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है वो सेलेक्टिवली परमीएबल है। मेनी मॉलिक्यूल्स कैन मूव अक्रॉस द मेम्ब्रेन विदाउट एनी रिक्वायरमेंट ऑफ एनर्जी, दिस इज कॉल्ड। तो इसमें कोई भी एनर्जी का रिक्वायरमेंट नहीं होता। चलिए ऑप्शन हम देखते हैं, एक्टिव ट्रांसपोर्ट, ऑस्मोसिस, पैसिव ट्रांसपोर्ट, डिफ्यूजन। तो क्या कहा गया है कि कोई भी एनर्जी का इन्वॉल्वमेंट नहीं है, तो एनर्जी का इन्वॉल्वमेंट नहीं है तो पैसिव ट्रांसपोर्ट। एक्टिव ट्रांसपोर्ट में क्या होता है, आपका एनर्जी का खर्च होता है इन द फॉर्म ऑफ एटीपी, मतलब एनर्जी को यूज़ करना पड़ता है। फिर ऑस्मोसिस, तो ऑस्मोसिस आपको मालूम है कि जो है हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन, से लो कंसंट्रेशन तक सॉल्वेंट मॉलिक्यूल, और वर्ड क्या आना चाहिए, सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन आया है तो आधे बच्चे ऑस्मोसिस लगा देंगे, लेकिन फिर आपके जो दूसरी लाइन में दिया हुआ है दैट इज़ एनी विदाउट एनी रिक्वायरमेंट ऑफ एनर्जी, ठीक है, तो ये क्या कहलाता है, तो ये कहलाएगा पैसिव ट्रांसपोर्ट में कोई एनर्जी का रिक्वायरमेंट नहीं होता। तो डिफ्यूजन, डिफ्यूजन में कोई भी मेम्ब्रेन की ज़रूरत नहीं होती, हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन की तरफ मूवमेंट होना चाहिए। तो जो करेक्ट ऑप्शन है वो आपका ऑप्शन नंबर 3 है, दैट इज़ पैसिव ट्रांसपोर्ट। फिर है विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन इज नॉट करेक्ट। तो हमें इनकरेक्ट स्टेटमेंट इसमें ढूंढना है। तो क्या है, द आउटर मेम्ब्रेन इज परमेबल टू ऑल काइंड्स ऑफ मॉलिक्यूल, द एंजाइम्स ऑफ द इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन आर एम्बेडेड इन द आउटर मेम्ब्रेन। जी नहीं, यही स्टेटमेंट इसका क्या हो जाएगा, रॉन्ग हो जाएगा। तो आपका ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल सही हो जाएगा। थर्ड फोर्थ भी देख लेते हैं, द इनर मेम्ब्रेन इज हाईली कॉन्वोल्यूटेड फॉर्मिंग अ सीरीज ऑफ इनफोल्डिंग जियांग, आउटर मेम्ब्रेन रिजेंबल्स अ सीव जियांग। तो ऑप्शन 2 आपका क्या है, इनकरेक्ट है। तो ऑप्शन 2 इज द करेक्ट ऑप्शन, करेक्ट आंसर। नेक्स्ट है, फिर मैच द फॉलोइंग आया, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, कॉलमनार एपिथेलियल सेल, नर्व सेल, ट्रैकेट, मेसोफिल सेल। कॉलम 2 में आपका राउंड एंड ओवल, राउंड एंड बायोकॉनकेव, एमोबॉइड, लॉन्ग एंड नैरो, इलोंगेटेड, ब्रांच्ड एंड लॉन्ग। देखिए आपको कुछ नहीं पता भी है तो कोई दिक्कत नहीं है, पहले आप नर्व सेल की तरफ देखें, ठीक है। तो नर्व सेल की जैसे आप देखेंगे वैसे आपको समझ में आ जाएगा कि ये क्या होती है, लॉन्ग एंड। चलिए हम स्टार्टिंग से स्टार्ट करते हैं आरबीसी। तो आरबीसी कैसा होता है, आपका राउंड एंड बायोकॉनकेव होता है। तो ये आपका हो गया ए, तो ए का 2, लीजिए तीनों ऑप्शन कट गए, ए का क्या हो गया, 2 हो गया, मिल गया आपको करेक्ट आंसर। डब्ल्यूबीसी, डब्ल्यूबीसी मालूम है कि एमोबॉइड होती हैं, तो बी का 3 बिल्कुल सही। सी का क्या है, कॉलमनार एपिथेलियल सेल, ये क्या हो जाएगा, लॉन्ग एंड नैरो हो जाएगा, तो ये हो जाएगा। और डी हो गया नर्व सेल, तो ये क्या हो गया, ब्रांच एंड लॉन्ग। देखिए लॉन्ग देख के आप क्या करेंगे, नर्व सेल लगा देंगे लॉन्ग एंड नैरो, तो वो चीज़ क्या हो जाएगी, वहाँ पर गलत हो सकती है, ठीक है, इसीलिए हम यहाँ पे रुक गए थे। तो नर्व सेल लॉन्ग तो होती है लेकिन ब्रांच जो होती है, ठीक है, और कॉलमनार एपिथेलियल सेल क्या होती है, लॉन्ग और नैरो होती है, ठीक है। तो कंफ्यूज बिल्कुल भी नहीं होना है, तो हमने इसलिए ऊपर से स्टार्ट किया। फिर ट्रैकेट, तो ट्रैकेट क्या होता है, इलोंगेटेड होता है, तो ये 5th हो गया, ई आपका। फिर मेसोफिल सेल, तो मेसोफिल सेल आपके क्या होते हैं, राउंड एंड ओवल, तो ये आपका हो गया करेक्ट ऑप्शन नंबर 1। फिर है नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर करेक्ट। तो अब इनमें करेक्ट आपको ऑप्शंस देखने हैं कि कौन से करेक्ट स्टेटमेंट है और कौन सा करेक्ट ऑप्शन बनेगा। चलिए पहला देखते हैं, अक्रेंस ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ टिश्यूज, ऑर्गन्स एंड ऑर्गन सिस्टम रिजल्ट्स इन द डिवीजन ऑफ लेबर। जी हाँ बिल्कुल करेक्ट है, करेक्ट स्टेटमेंट फाइंड आउट करने हैं, ठीक है। अ न्यू सेल ऑलवेज डेवलप्स बाय द डिवीजन ऑफ प्री एग्जिस्टिंग सेल। जी हाँ बिल्कुल, ओमनी सेलुलाई सेलुला सेल्स आर टोटी पोटेंट, यस बिल्कुल सही है। फेज सेल इज द स्मॉलेस्ट यूनिट कैपेबल ऑफ इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस एंड परफॉर्मिंग द इसेंशियल फंक्शंस ऑफ लाइफ। जी हाँ बिल्कुल करेक्ट है, तो आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, दैट इज ऑल ऑफ द अबव, ठीक है, सारे स्टेटमेंट इसमें करेक्ट है। नेक्स्ट, द टू एनिमल सेल्स आर इंटरकनेक्टेड बाय। तो जो एनिमल सेल्स हैं वो इंटरकनेक्टेड होते हैं, ऑप्शन है आपका प्लाज्मोडेस्माटा, सेल वॉल, डेस्मोसोम, प्लाज्मा मेम्ब्रेन। तो याद रखिएगा जो करेक्ट ऑप्शन है आपका है ऑप्शन नंबर 3, दैट इज डेस्मोसोम। फिर नेक्स्ट है, इन अ वुडी डाइकोटिलेडोनस ट्री विच ऑफ द फॉलोइंग पार्ट्स विल मेनली कंसिस्ट ऑफ प्राइमरी टिश्यू, स्टेम एंड रूट, ऑल पार्ट्स, शूट टिप्स एंड रूट टिप्स, फ्लावर, फ्रूट्स एंड लीव्स।
ठीक है। तो इसमें पूछा गया है प्राइमरी टिश्यूज़, तो प्राइमरी टिश्यू से कौन बने होते हैं, तो याद रखिएगा शूट टिप्स एंड रूट टिप्स, तो ऑप्शन 3 आपका बिल्कुल करेक्ट है। नेक्स्ट है माइटोकॉन्ड्रिया विल फाउंड इन अबेंडेंस इन लिविंग सेल्स ऑफ टिश्यूज हैविंग मिनिमम एक्टिविटी, एवरेज एक्टिविटी, मैक्सिमम एक्टिविटी एंड नन ऑफ द अबव, तो ये क्या हो जाएगा ऑप्शन 3 दैट इज मैक्सिमम एक्टिविटी। तो ये क्यों होते हैं अबेंडेंस, तो मैक्सिमम एक्टिविटी के लिए, ठीक है, हैविंग मैक्सिमम एक्टिविटी। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, इन क्लोरोप्लास्ट क्लोरोफिल इज प्रेजेंट इन द, तो क्लोरोफिल कहाँ प्रेजेंट होती है, आउटर मेम्ब्रेन में, इनर मेम्ब्रेन में, थायलाकॉइड में, स्ट्रोमा में, तो याद रखिएगा जो क्लोरोफिल प्रेजेंट होती है वो किस में होती है, थायलाकॉइड में, तो करेक्ट ऑप्शन इज 3। फिर मैच द फॉलोइंग आती है स्फेरोसोम, पेरोक्सिसोम, प्लाज्मोडेस्माटा, न्यूक्लियोलस, एंड कॉलम 2 में आपका है आरएनए सिंथेसिस, लिपिड स्टोरेज, ग्लाइकोलेट मेटाबॉलिज्म एंड ट्रांसपोर्ट ऑफ मैक्रो मॉलिक्यूल्स, तो आपको मैच करना है, चलिए मैच करते हैं। तो स्फेरोसोम का क्या फंक्शन होगा, दैट इज लिपिड स्टोरेज, ओके। तो ये आपका हो गया ऑप्शन नंबर ए का टू, तो ऑप्शन नंबर 1, क्योंकि ए का 2 किसी में नहीं दिया हुआ है, ठीक है। अगर आपको नहीं आता है तो आप अगर न्यूक्लियोलस से भी स्टार्ट कर रहे हैं तो न्यूक्लियोलस से स्टार्ट कर लीजिए, दैट इज न्यूक्लियोलस आरएनए सिंथेसिस, ठीक है। तो डी का फर्स्ट भी यही है, ठीक। चलिए अब हम परऑक्सीसोम देखते हैं, तो परऑक्सीसोम क्या है, ग्लाइकोलेट मेटाबॉलिज्म है एंड प्लाज्मोडेस्माटा ट्रांसपोर्ट ऑफ मैक्रोमोलिक्यूल, सो ये हो गया आपका सी, ठीक है। तो करेक्ट ऑप्शन हो गया आपका ऑप्शन नंबर 1। चलिए नेक्स्ट, डिफरेंट सेल्स हैविंग डिफरेंट साइजेस अरेंज द फॉलोइंग सेल्स इन एन असेंडिंग ऑर्डर ऑफ द सेल, माइकोप्लाज्मा, ऑस्ट्रिच एग, ह्यूमन आरबीसी, बैक्टीरिया, ठीक है। आपको कुछ याद करने की ज़रूरत नहीं है, आपको ये मालूम है कि माइकोप्लाज्मा PPLO ये क्या होते हैं, सबसे स्मॉलेस्ट होती हैं और सबसे बड़ा क्या होता है, ऑस्ट्रिच एग होता है। तो पहले क्या है पूछा गया, असेंडिंग ऑर्डर में सबसे छोटे से सबसे बड़ा, तो सबसे छोटा आपका क्या हो जाएगा, दैट इज़ फर्स्ट, और सबसे बड़ा आपका क्या हो जाएगा, दैट इज़ सेकेंड, ठीक है। और किसी में नहीं दिया है तो ऑप्शन 1 आपका बिल्कुल करेक्ट है। फिर उसके बाद माइकोप्लाज्मा के बाद बैक्टीरिया, बैक्टीरिया बाद ह्यूमन आरबीसी, फिर उसके बाद ऑस्ट्रिच एग। नेक्स्ट क्वेश्चन, फ्लैजला प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक सेल्स डिफर इन, तो फ्लैजला जो प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक सेल्स में होता है वो किस चीज़ से डिफर करते हैं, ओके। टाइप ऑफ मूवमेंट एंड प्लेसमेंट इन द सेल, लोकेशन इन सेल एंड मोड ऑफ फंक्शनिंग, माइक्रोट्यूबुलर ऑर्गेनाइजेशन एंड टाइप ऑफ मूवमेंट, माइक्रोट्यूबुलर ऑर्गेनाइजेशन एंड फंक्शन, तो करेक्ट ऑप्शन है आपका ऑप्शन नंबर 3, दैट इज डिफर किस में करते हैं, माइक्रोट्यूबुलर ऑर्गेनाइजेशन एंड टाइप ऑफ मूवमेंट, ठीक है। चलिए अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब करिए, ताकि आपको और भी क्वेश्चंस मिलते रहें, और वीडियो को लाइक करिए और शेयर करिए अपने फ्रेंड्स के साथ। सेल ऑर्गेनेल रिस्पॉन्सिबल फॉर ऑटोलिसिस, तो ऑटोलिसिस के लिए कौन से सेल ऑर्गेनेल रिस्पॉन्सिबल है, डिक्टियोसोम, लाइसोसोम, परऑक्सीसोम, ग्लाइऑक्सीसोम, तो याद रखिए ऑटोलिसिस, लाइसोसोम, क्यों, लाइसोसोम को हम लोग क्या कहते हैं, सुसाइड बैक ऑफ अ सेल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन इज एब्सेंट इन द, पेनिसिलम, वॉलवॉक्स, एगेरिकस, नॉस्टॉक, तो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन किस में एब्सेंट होती है, दैट इज़ नॉस्टॉक में आपकी एब्सेंट होती है, ठीक है। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन किस में प्रेजेंट होती है, दैट इज़ द यूकैरियोटिक सेल्स में, एंड प्रोकैरियोटिक सेल्स में क्या होती है, एब्सेंट होती है, ठीक है। तो नॉस्टॉक में ये एब्सेंट होती है। टोनोप्लास्ट इज अ मेम्ब्रेन कवरिंग ऑफ द, तो टोनोप्लास्ट किसकी कवरिंग है, मेम्ब्रेन कवरिंग है, वैक्यूल, माइटोकॉन्ड्रिया, क्लोरोप्लास्ट, लाइसोसोम, तो याद रखिएगा टोनोप्लास्ट किसकी कवरिंग है, वैक्यूल की, तो ऑप्शन 1 इज करेक्ट। नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर करेक्ट, कौन से करेक्ट स्टेटमेंट है, स्टेटमेंट्स पढ़ते हैं, माइकोप्लाज्मा आर द स्मॉलेस्ट सेल, अभी पढ़ा बिल्कुल करेक्ट था कि माइकोप्लाज्मा क्या है, स्मॉलेस्ट सेल है, करेक्ट लगा लीजिए। नर्व सेल आर द लॉन्गेस्ट सेल ऑफ आर बॉडी, जी हाँ, नर्व सेल को क्या कहते हैं, लॉन्गेस्ट सेल कहा जाता है। राइबोसोम्स आर नॉन मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल फाउंड ओनली इन यूकैरियोटिक सेल, जी नहीं, सिर्फ यूकैरियोटिक सेल में नहीं प्रेजेंट होते हैं, ये यूकैरियोटिक और प्रोकैरियोटिक सेल दोनों में ही प्रेजेंट होते हैं। स्टेटमेंट 4 है, द साइटोप्लाज्म इज द मेन एरिना ऑफ सेलुलर एक्टिविटीज ओनली इन प्लांट सेल, जी नहीं, प्लांट सेल एंड एनिमल सेल, तो 3rd and 4th स्टेटमेंट है रॉन्ग, तो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा 1st, 2nd and 3rd, जी नहीं, 1st एंड 2nd,
सेकेंड एंड थर्ड, फर्स्ट सेकेंड थर्ड एंड फोर्थ, तो करेक्ट है फर्स्ट एंड सेकेंड, तो ऑप्शन नंबर टू आपका बिल्कुल करेक्ट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, फिर आ गया मैच द फॉलोइंग स्टेटमेंट। पहला कॉलम है स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, लाइसोसोम, न्यूक्लियोइड, फूड वैक्यूल। कॉलम टू है आपके अमीबा, बैक्टीरिया, डिटॉक्सिफिकेशन, सुसाइडल बैग। तो हमें मालूम है लाइसोसोम को हम लोग क्या कहते हैं, सुसाइडल बैग कहा जाता है। तो ये हो गया बी का फोर, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम तो डिटॉक्सिफिकेशन, तो ये हो गया आपका ए। ओके चलिए इतना देख लेते हैं। 27 बी का फोर किस में दिया हुआ है, तो ऑप्शन वन एंड टू आपके कट गए, बी का फोर दिया हुआ है, ठीक है। फिर उसके बाद आपका ए किसका दिया हुआ है, ए का थ्री, तो ये आपका ऑप्शन नंबर फोर बिल्कुल करेक्ट है, सब करने की ज़रूरत भी नहीं। फिर भी देख लेते हैं न्यूक्लियोइड, तो न्यूक्लियोइड किस में, बैक्टीरिया में, ये हो गया सी। एंड फूड वैक्यूल तो आपको मालूम है अमीबा का, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, विच वन ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट डिफर इन ई कोलाई एंड क्लेमाइडोमोनास। तो ऑप्शन है राइबोसोम, क्रोमोसोमल ऑर्गेनाइजेशन, सेल वॉल, सेल मेम्ब्रेन, तो जो है कौन डिफर नहीं करता है, ठीक है। तो ऑप्शन आपके राइबोसोम, क्रोमोसोमल ऑर्गेनाइजेशन, सेल वॉल, सेल मेम्ब्रेन, तो ये आंसर हो जाएगा आपका सेल मेम्ब्रेन, ऑप्शन नंबर फोर। ओके चलिए नेक्स्ट है, द स्ट्रक्चर दैट आर फॉर्म बाय स्टैकिंग ऑफ ऑर्गेनाइज्ड फ्लैटेंड मेम्ब्रेनस सैक्स इन द क्लोरोप्लास्ट। ऑप्शन है आपके क्रिस्टेई, ग्रैना, स्ट्रोमा लैमेलाई, स्ट्रोमा, तो ये आपका हो जाएगा ग्रैना, ठीक है। द स्ट्रक्चर विच आर फॉर्म बाय ये चीज़, ठीक। चलिए नेक्स्ट आपका, द क्रोमोसोम्स इन दिस सेंट्रोमेयर इज सिचुएटेड क्लोज टू वन एंड आर मेटासेंट्रिक, एक्रोसेंट्रिक, टीलोसेंट्रिक, सब मेटासेंट्रिक, तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर टू, दैट इज एक्रोसेंट्रिक। द सॉलिड लीनियर साइटोस्केलेटल एलिमेंट्स हैविंग डायमीटर ऑफ 6 नैनोमीटर एंड मेड अप ऑफ सिंगल टाइप ऑफ मोनोमेयर आर नोन एज माइक्रोट्यूब्यूल, माइक्रोफिलामेंट, इंटरमीडिएट फिलामेंट्स, लैमिन्स, तो ये आपका जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा आपका माइक्रोफिलामेंट्स, ऑप्शन नंबर टू, ठीक है। पहले आप अपने आप से कोशिश करिए, अगर नहीं आ रहा है तो आप ये चीज़ समझिए कि ये ऑप्शन हो रहा है तो क्यों हो रहा है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है, द ऑस्मोटिक एक्सपेंशन ऑफ अ सेल केप्ट इन वाटर इज चीफली रेगुलेटेड बाय माइटोकॉन्ड्रिया, वैक्यूल, प्लास्टिड एंड राइबोसोम। तो करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर टू, दैट इज वैक्यूल। ओके थ्री पे नहीं टिक लगाए, दैट इज ऑप्शन नंबर टू पे टिक लगाए, दैट इज वैक्यूल, ठीक। अगर आपको वीडियो पसंद आ रही है, क्वेश्चन पसंद आ रहे हैं, तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करिए, उसके पास जो बेल है उसको जो आप क्लिक कर दीजिए ताकि आपको सारे नोटिफिकेशंस मिलते रहें, और चैनल को सब्सक्राइब करिए अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करिए ताकि और अच्छे क्वेश्चन आते रहें, ये सीरीज चलती रहे। चलिए नेक्स्ट है, मैच द फॉलोइंग कॉलम। तो कॉलम वन में आपका है सेंट्रियोल, क्लोरोफिल, क्रिस्टी, राइबोसोम। कॉलम टू में आपका है इनफोल्डिंग्स इन माइटोकॉन्ड्रिया, थायलाकोइड, न्यूक्लिक एसिड, बेसल बॉडी, सीलिया और फ्लैजिला। चलिए अब हम देखते हैं, मैच करते हैं। तो पहला है सेंट्रियोल, तो सेंट्रियोल क्या है आपका, बेसल बॉडी, सीलिया या फ्लैजिला, तो ए का हो गया आपका फोर, तो ऑप्शन टू और थ्री आपके कट गए, ठीक है। बच्चे आपके कौन से, ऑप्शन वन एंड फोर। किसी किसी को क्या होता है, सेंट्रियोल का फंक्शन नहीं याद आ रहा है, तो आप क्लोरोफिल से स्टार्ट कर दीजिए, ठीक है। अब अगर क्लोरोफिल से स्टार्ट कर देंगे तो क्लोरोफिल का क्या हो जाएगा आपका, दैट इज थायलाकोइड, बी का टू, तो बी का टू आपका फर्स्ट एंड सेकंड ऑप्शन आपको बचेगा। फिर आपको ये मालूम चल जाएगा कि डी का क्या है, राइबोसोम, तो राइबोसोम क्या होता है, न्यूक्लिक एसिड। ओके चलिए ये डी हो जाएगा आपका। बचा सी, तो क्रिस्टे आपका क्या होता है, इनफोल्डिंग्स इन माइटोकॉन्ड्रिया, बिल्कुल सही, तो ये आपका हो गया सी। तो अब आप देख लीजिए और क्या हो जाएगा आपका, ऑप्शन नंबर वन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, ठीक। तो ये स्ट्रक्चर फंक्शन से रिलेटेड क्वेश्चंस हैं, ये न्यू जो पैटर्न आ रहा है एग्जाम्स का उसी पर बेस्ड है, आपको ऐसे क्वेश्चंस काफ़ी देखने को मिलेंगे। मेजर साइट फॉर द सिंथेसिस ऑफ लिपिड इज SER, सिम्प्लास्ट, न्यूक्लियोप्लास्ट, RER, तो ये आपको ऑप्शन हो जाएगा SER। तो जो लिपिड का सिंथेसिस करता है वो कौन करता है, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। नेक्स्ट है, द गोल्जी कॉम्प्लेक्स प्लेज अ मेजर रोल इन। ऑप्शन आपके डाइजेस्टिंग प्रोटीन एंड कार्बोहाइड्रेट एज एनर्जी ट्रांसफरिंग ऑर्गेनली, फिर आपका इन पोस्ट ट्रांसलेशनल मॉडिफिकेशन ऑफ प्रोटीन एंड ग्लाइकोसाइडेशन ऑफ लिपिड, इंट्रैपिंग द लाइट एंड ट्रांसफॉर्मिंग इट इनटू केमिकल एनर्जी। तो जो गोल्जी कॉम्प्लेक्स है वो आपका क्या रोल प्ले करती है, दैट इज
ऑप्शन नंबर 3 दैट इज इन पोस्ट ट्रांसलेशनल मॉडिफिकेशन ऑफ प्रोटीन एंड ग्लाइकोसाइडेशन ऑफ लिपिड. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्टली मैच्ड. नॉट करेक्टली मैच्ड, जो सही नहीं मैच है, ठीक है. एंड इट्स सेल वॉल डिग्रेडिंग एंजाइम. एंजाइम्स ये हुए और चीज़ें नहीं हुई, आपको ये करेक्ट मैच ढूंढना है. पहला है प्लांट सेल्स सेलुलेज, एल्गी मिथाइलेज, फंजाई काइटिनेज, बैक्टीरिया लाइसोजाइम. तो जो करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर 2 दैट इज एल्गी मिथाइलेज, ठीक है. और सारे चीज़ें आपको ये सही है, बैक्टीरिया लाइसोजाइम, जो फंजाई होती है काइटिन की बनी होती है, काइटिनेज, प्लांट सेल्स सेलुलोज के बने होते हैं, सेलुलेज. चलिए नेक्स्ट, वॉट इज ट्रू अबाउट राइबोसोम. तो राइबोसोम के बारे में क्या ट्रू है, चलिए देखते हैं. द प्रोकैरियोटिक राइबोसोम्स आर 80S, वेयर एस स्टैंड फॉर सेडिमेंटेशन कोएफिशिएंट. दीज आर कंपोज ऑफ राइबोन्यूक्लिक एसिड एंड प्रोटीन. दे आर फाउंड ओनली इन यूकैरियोटिक सेल, तो ये तो आप काट ही दीजिए. दीज आर सेल्फ रेप्लिकेटिंग इंट्रॉन्स ऑफ सम आरएनए, काट दीजिए. अब बचा ऑप्शन नंबर 1 और 2. तो याद रखिएगा, जो प्रोकैरियोटिक में होता है वो पाया जाता है 70S. ओके, तो ये आपका ऑप्शन नंबर 1 भी कट गया, बचा ऑप्शन नंबर 2. तो ये क्या होता है, ट्रू. नेक्स्ट क्वेश्चन, इन यू बैक्टीरिया अ सेलुलर कंपोनेंट दैट रिजेंबल्ड यूकैरियोटिक सेल्स इज. ऑप्शन आपके न्यूक्लियस, राइबोसोम, सेल वॉल, प्लाज्मा मेम्ब्रेन. तो यूकैरियोटिक सेल इज दैट रिजेंबल यूकैरियोटिक सेल. ओके, यू बैक्टीरिया में दैट इज ऑप्शन नंबर 4, प्लाज्मा मेम्ब्रेन, बिल्कुल सही है. चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं. मैच द फॉलोइंग. तो लिवेनोइक, रॉबर्ट हुक, क्लेमाइडोमोनास, रॉबर्ट ब्राउन, शॉन. कॉलम 2 में आपका डिस्क्राइब द लिविंग सेल, यूनिसेलुलर, डिस्कवर्ड सेल मेम्ब्रेन, रोट माइक्रोग्राफिया, डिस्कवर्ड द न्यूक्लियस. बहुत ईजी है. तो अगर हम शुरू करें लिवेनोइक, यहाँ लिविंग सेल दिया हुआ है तो ये हो जाएगा ए. रॉबर्ट हुक, सेल कहीं नहीं दिया तो अभी रुक जाइए. वैसे इन्होंने लिखी थी रोट माइक्रोग्राफिया बुक, ठीक है, नहीं आता रुक जाइए. फिर रॉबर्ट ब्राउन, न्यूक्लियस, डिस्कवर्ड द न्यूक्लियस, 5 का डी हो गया. श्वान, डिस्कवर्ड सेल मेम्ब्रेन और यूनिसेलुलर. तो क्लेमाइडोमोनास तो हो नहीं सकता, क्लेमाइडोमोनास क्या होगा, यूनिसेलुलर. और श्वान हो गया आपकी सेल थ्योरी, तो ई हो गया. बचे कौन, ये बी हो गया. तो सारे हो गए. तो अब आप देख लीजिए ए का वन किसमें, पहले ही ऑप्शन है, एक ही ऑप्शन है. तो कोई कन्फ्यूजन भी नहीं है, सब नहीं भी आते तो कोई दिक्कत नहीं. सेटेलाइट ऑफ क्रोमोसोम इज, तो क्या है, रिच इन डीएनए एंड डिफिशियंट इन डीएनए, रिच इन आरएनए एंड डिफिशियंट इन डीएनए, रिच इन डीएनए एंड डिफिशियंट इन आरएनए, रिच इन प्रोटीन एंड डिवाइड ऑफ डीएनए. तो जो सेटेलाइट होती है क्रोमोसोम की वो क्या होती है, डीएनए में रिच होती है और आरएनए डिफिशियंट होते हैं, मतलब आरएनए उसमें कमी होती है, ठीक है. तो ये हो गए आपके 40 क्वेश्चंस की सीरीज. तो आप अब जल्दी से बताइए आपके कितने क्वेश्चंस आप कर पाए, कितने नहीं कर पाए. 40 क्वेश्चंस में आप कितने क्वेश्चन सही कर पाए कमेंट करके बताइए. अगर आपको ये सीरीज़ अच्छी लग रही है तो प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करिए और वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए. सक्सेस मंत्रा चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करिए ताकि आपको ऐसे ही अमेजिंग वीडियो मिलती रहे. चलिए नेक्स्ट 40 क्वेश्चंस की सीरीज़ लेके हाजिर होते हैं नेक्स्ट वीडियो में. तब तक के लिए